ये देखो अब देखो लड़की डब्बे पे जा रही है ऊपर ना भाई, घर से निकलने का मन नहीं होता। आपने गिराया है ये रहा स्लिप। हाँ तो भाई ओए चल मेरे बीच में अंकल आ गए। चलो ये वाह दीदी वाह दीदी, मरना चाहता है क्या बहन? ऑटो वाले लड़ाई कर रहे हैं ट्रैफिक नहीं मिला नहीं तो साला सा। ये देख लो। तो हेलो जी वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो अभी सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमको हमारे घर वालों की टिकट निकालना है और टिकट निकालना है बेटिंग। उसके बाद कहीं जुगाड़ के थ्रू हम लोग कन्फर्म कराएंगे। पति जाना तो पहले से था, पर हमारे घर में कुछ होशियार रहते हैं जो हमारे से बड़े हमारे भाई लोग थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा चलाते हैं, जिस कारण लेट हो गया हूँ। पर अभी निकल रहा हूँ, चलते हैं देखते टिकट मिलता कि नहीं मिलता। मैं वेटिंग, अगर मिल जाएगा तो सही चीज़ है, नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा जो भी जैसा होगा। भाई मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मेरे लिए सब चीज़ ठीक है। के हैं आसिमा मॉल और सीधे जाना है भाई बाहर। कसम उतार बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में पानी भयंकर वाला गिरा है पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो इधर झोपड़ी टूट गई भाई की, क्या कर सकते हैं भाई, पानी है तो है, कर तो कुछ सकते नहीं है। गर्मी लगा के रखी भाई, गर्मी एकदम फाड़ रही है जी, फाड़ रही है जी। ये साले पल्सर पे कार वाले हारम लगा के अपनी औकात दिखाने वाले। ओ भाई ये देखो थोड़े से पानी में इधर पानी भरा गया है, थोड़े से बारिश से मतलब पानी बोल रहा हूँ मैं। चलो फाइनली हाईवे पे आ चुके हैं, अब फटाफट चलते, बस ट्रैफिक ना मिले नहीं मेरा दिमाग ही घूम जाएगा। अगर ट्रैफिक ट्रैफिक मिल गया तो बैठा रहूँगा फिर, मैं घर ही नहीं आऊँगा अभी 3-4 बजे तक। चलते मस्त, बाकी रोड सारी टूट चुकी है, चौराहा बन चुका है, अब कहीं से भी गाड़ी घुसे कहीं से भी गाड़ी निकाल सकते हो। बस स्टैंड हटना है अभी, बस स्टैंड बाकी है। इसका स्टैंड लगाया क्या है पता नहीं, क्या है भाई कैसा है, लोगों का स्टैंड भी कुछ ऐसा है तेरा तेरा कि लगा होता उसके बाद ही पता नहीं चलता कि स्टैंड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। ये देखो लड़की डब्बे पे जा रही है, देख रहे हो जी डब्बे मतलब कि कॉलेज का बोल के घूमने, डब्बे का मतलब ये होता तुम साले गलत मत समझ लेना। ये भाई क्या भसड़ है, ये बाक्स बने में ना भसड़ लगना कभी जिंदगी खत्म ही नहीं होगी मुझे लगता है। अगर खत्म हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये देखो इस बेशरम वाले को, चलो यहाँ सिग्नल लगा हुआ जब तक हमारी गाड़ी तो निकल जाएगी साइड साइड से। ये लो जी हमें ज़्यादा सिग्नल पे नहीं खड़ा रहना पड़ा, हम निकल गए। ये गाड़ी कहाँ से घुसड़ दी भाई इन लोगों ने? अच्छा वो वाला सिलेंडर वाली, भाई क्या धूल उड़ रही भाई रोडों पे, धूल ना वो जी फाड़ रही है जी। ये कार वाला तिरछा तिरछा क्यों चल रहा है, अरे चूतिया मरना चाहता है क्या भाई? कार वाले मेरे हाथों से मरना चाहते हैं, ठोंक के सालों को मार दूंगा भाई कसम से उतारा। बड़ी गंदी धूल उड़ रही है, बड़ी गंदी वाली। और अभी जो ये रोड बनाएंगे ना ऊपर से, इसमें एकदम था हल्का ना सर थोड़ा वो ढलान टाइप का रहता है, अगर एक साइड गाड़ी गई तो एक साइड गिरने का डर रहता है। माँ कसम भाई ट्रैफिक है, इतनी टाइम लोग बाग कहाँ जा रहे हैं इस टाइम पे भाई, कहाँ जा रहे हैं भाई? अंकल जी उड़ा दूंगा नहीं, साइड रहा करो मेरे से। देखो ना एमटी वाले एकदम तेजी में निकल गए, मेरे बीच में अंकल आ गए, अंकल की माँ का। ये देखो अब बहन कंट्रोलिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी, नहीं तो ये वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी, लोग ठुक जाए मुझे डर नहीं होगा। क्या बात है, इसको क्या हो गया? अच्छा खींच के ले जा रहा है इसलिए ट्रैफिक लग रहा भाई आगे। रेड बस की लग गई है ना, बढ़िया है, रेड बस खराब होनी चाहिए, सही है। बस दीदी निकल जाए मेरे से आगे, मैं दीदी से आगे हो जाऊँ कि दीदी गलती से ब्रेक मारी गिर गई, बोलेंगे भैया आपने गिराया है। अभी हम रानी कमलावती एक नंबर साइड जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना ये वाला रास्ता तो बंद ही है, एक नंबर भाई एक नंबर साइड वाला चालू है। और उधर ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हो रही है, चेकिंग बहुत गंदी वाली होती है भाई, पुलिस वाले मस्त खड़े रहते हैं धरने के लिए लोगों को कि हाँ आ जा भाई आ जा, अब तेरा ही नंबर है। देखो अपने को डर नहीं, क्योंकि अपने पास लाइसेंस हेलमेट सब चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो ना हो प्रूफ में, बस पासपोर्ट छोड़ के बाकी सारी चीज़ प्रूफ में बनवा लिया हूँ, और कुछ दिनों में पासपोर्ट भी तुम्हारा भाई बनवा लेगा ऐसे ही, क्या करें ऐसी है, अपन सारा प्रूफ लेके चलते भाई मस्त। इस रोड पे गाड़ी चला रहे वैसे मजा आता है, एकदम प्लेन एकदम राउंडिंग पे गाड़ी जाती है, बस थोड़ी सी फटती है कि मेरी पेसर है ज़्यादा ना झुक जाए कि मेरा पैर छिल जाए, दिक्कत इसकी रहती है। थोड़ी सी महंगी गाड़ी हो तो एकदम यू 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 निकालू मैं,
भैया लिफ्ट मांगने लिए तैयार है। चाट भैया कोई लिफ्ट नहीं देगा, जो भैया को लिफ्ट देगा वो चू 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 होगा। भाई नहीं चेकिंग हो रही यार, नहीं हो रही। अगर धूप भी हो रही होगी ना, पुलिस वाले सोच रहे जान दो सालों को। हाँ तो यही होता है। आ चुके हैं रानी कमलापति बंसल वाले के पास। सारे बंसल वाले ने अपना नाम लिखवा लिया, वहाँ रानी कमलापति लिखाना चाहिए ना, तो अपना एडवर्टाइज कर रही है इसकी। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है भाई, शनि जी के मंदिर आ गए, जय शनि भगवान। लेकिन ये छांव में चल तो रही है, ये देख लो धरने वाले हैं सबको। एक कार को धरा गया है, कौन कहता साथ चेकिंग नहीं चल रही। चेकिंग चलेगी, चेकिंग छांव में चलेगी, जिसको निकलना वो आगे से निकल जाएगा। ये ट्रक वाला क्या कर रही है, खेल कर रही है क्या, खेला हाविया खेला कर रही है, हो गया तुम पता नहीं क्या हो गया। ट्रक ऐसे खड़ा करके गया भाई बंदा, होगा कुछ इसका भी। अरे मैया रे, होगा भाई। चलो रानी कमला जी पहुंच चुके, हमको तो जाना है यहाँ जहाँ पिक्चरें लगती है। इधर जाना है टिकट के लिए, स्टेशन के लिए उधर जाना है, हर चीज के लिए इधर उधर जाना है। और जाना किधर है जी, पहले यहाँ से गाड़ी अंदर ले जाना। चलो की पार्किंग सामने लगा दो ना, मुझे इधर अंदर जाना है। हाँ चलो जी, पार्किंग लग चुकी है हमारी। काबे उड़ता है साले, सामने लगाऊंगा भाई मैं सामने यहाँ पे, कि महंगी बाइक है। टिकट के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। रानी कमला बताइए, देखो आ चुके हैं, यहाँ साइड से दुकानें हैं और यहाँ हमें बस चल रहे अंदर, और अंदर किधर जाना है भाई, सब चेंज हो गया भाई। ये तो यहाँ से ऊपर जाना होगा मेरे हिसाब से। टिकट काउंटर तो यहाँ भी है पर यहाँ नहीं मिलता होगा। हाँ सीढ़ी है ना, यहाँ से ऊपर जाना है और बाकी स्टेशन के अंदर आने का। देख ये है रानी कमलावती और यहाँ से हमारा टिकट हो चुका है। ये रहा टिकट, सॉरी हाँ ये रहा टिकट, तो चले जाएंगे तब दिख जाएगा। अब यहाँ से निकल रहे घर के लिए, ठीक है होगा, दो घंटे टाइम लग चुके हैं, चलते घर। और हमने टिकट भेज दिया संतोष भैया को अपनी, बढ़िया है टिकट भेज दिया, अब हम चलते हैं आराम से फ्रेश करेंगे। ये रही धन्नो और ये रहा स्लिप, हाथों पे ले लिए हैं और यहाँ डायरेक्ट निकलना है। तो चलते हैं फटाक से, गाड़ी निकालते हैं, घर जाएंगे नहाएंगे, उसके बाद लेटेंगे भाई, जिंदगी झंडे हमारी। चलते बस, बढ़िया हो चुका है, हमें बस टिकट निकालना था। अब टिकट कंफर्म हो या ना हो, मम्मी पापा कल जाएंगे ही, टिकट कुछ भी हो जाए। चलो चलो, ऑटो वाले लड़ाई कर रहे हैं। चलो भाई, ऑटो वाले एक दूसरे की अम्मा बहन करते हुए, क्योंकि ऑटो वालों का कहा है कि लड़ाई करना हो, जितने ले आएंगे उतने नहीं जाना चाहिए भाई। चेकिंग बंद हो गई क्या यहाँ पे, बंद हो गई भाई, थोड़ी सी चेकिंग किए हैं सर जी आप, इतनी थोड़ी सी क्यों, ज़्यादा करनी चाहिए थी। मैं ना बहुत गंदा वाला ट्रैफिक लगने लगा जब से नीचे रोड बंद हुई ना, पहले ब्रिज ना पूरी खाली रहती थी, अब ब्रिज में ना लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ये नीला डब्बा और ये लाल डब्बे पे अब चलेगी तगड़ी वाली रेस, पूछो क्यों, क्योंकि नीला डब्बा अपना सवारी बैठाना चाहेगा, लाल डब्बा अपना सवारी बैठाना चाहेगा। देखो ये भी खाली जा रही ना, क्योंकि सवारी नहीं मिल रहे होंगे जी, क्या आज सारे सवारी तो नीला डब्बा उठा लेती होगी। अब सब लोग को छांव में धूप में ही खड़े रहना है, क्या करेंगे सवारी के लिए। बाकी रोड अच्छी हो गई, चौड़ी हो गई जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया जी मेरा, मजा आता है ऐसी रोडों पे गाड़ी चलाने में, क्योंकि खाली मिलते तो अच्छा लगता भाई, सबको अच्छा लगता, कोई भी चीज खाली मिले तो अच्छा ही लगता है। बढ़िया है, चलते हैं और मजे लेते हैं, समझ रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग। अभी मेरे लगातार ना भाई अभी जितनी है ना मोटो ब्लॉगिंग आएगी, कभी कहीं घूमने का प्लान नहीं है और कहीं जाने का नहीं है, और रीवा जाने का है तो 24 या 25 को जाने का है, तो तब का तब देखा जाएगा, बाकी अभी वैसे तो ऐसे ही आएगी हमारी, समझ रहे हो। अरे भगवान, हाँ चलो बढ़िया है भाई, इनने तो पूरा आधा रोड पर रख दिया भाई ये वाला, पर कोई ना रोड जल्दी तैयार हो जाएगी इसलिए रखा है। आज से मैंने आया हूँ इधर से, तो इधर से ट्रैफिक नहीं मिला, नहीं तो साला सब जगह भैया ए भाई पापा की परी भाई, डर लगता है इन लोगों से भाई। भाई इसने कार पे कितना अच्छा लिखवाना, जय श्री राम, क्या बात है, बहुत बड़े। बस भाई इसको गंदा कभी मत होने दो, तो गंदा हो जान दो। बाकी चल रहे हैं जी मस्त से घूमते घामते भाई, ना एक दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है धूप में ना भाई, घर से निकलने का मन नहीं होता मेरा जरा सा भी,
और अभी धूप बहुत ज़्यादा, अभी घर जाऊँगा नहाऊँगा, अगर हो सके पानी भरना पड़े, पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या करना पड़ेगा अभी, जब तक अच्छे सेटल नहीं हो जाते भाई, सारा काम करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी बेचारी अकेले करती रहती है। देखता अगर मम्मी ने पानी भर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं जाके भर लूँ, क्योंकि मेरा भाई एक तो पता नहीं काय के लिए घर पे रहता क्यों है, या नहीं घर छोड़ दे रहता क्यों है भाई, वो कुछ काम धंधा करता नहीं है, फालतू लेटा रहता है। पर कोई ना, चलो चलते हैं, यहाँ से आ चुके हैं और फटाक से यहाँ से चलते हैं, इधर से गाड़ी डालेंगे क्योंकि इधर देखो ऑफ रोडिंग है, नहीं डालूंगा गाड़ी उधर से, मैं इधर से डालूंगा, समझे। क्या बात है भाई, अभी ये बच्चे आएंगे लिफ्ट मांगे, हट जा बे हट जा, ए बच्चा ए बच्चा। चलो भाई इसके साथ वीडियो करते हैं एंड, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय 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 बाय।